लव जिहाद का एक और मामला राजधानी दिल्ली से सामने आया है, जहां नसीफ खान नाम के एक युवक ने झूठा प्यार का झांसा देकर नेहा श्रीवास्तव नाम की एक युवती से शादी की। परिताड़ित युवती ने ट्विटर पर वीडियो शेयर कर अपनी आपबीती सुनाई है। उसने बोला है कि पहले बोलता था पूजा करने से नहीं रोकूंगा, लेकिन शादी के 2 महीने बाद ही जबरदस्ती भैंस का मांस खिलाता था, गौ मांस खाने और नमाज पढ़ने के लिए दबाव डालकर मारता था। अब ये वीडियो ट्विटर पर तेजी से वायरल हो रहा है। मेरा नाम नेहा है, मैं बुराड़ी की रहने वाली हूँ। 2 साल पहले नफीस खान नाम के आदमी से मेरी शादी हुई थी, जो कि उसने अपने प्यार के जाल में फंसा करके मुझसे शादी की। शादी से पहले तो वो यूँ बोलता था कि तू अपना धर्म मत बदलियो, तुझे पूजा पाठ करनी है तो करियो, मुझे कोई एतराज़ नहीं। शादी होने के 1.5 महीने बाद से उसने मुझको दबाव बनाना स्टार्ट कर दिया कि नमाज पढ़, रोजा रख। मैंने इस चीज़ पे एतराज़ किया तो उसने मुझे मारा पीटा भी, और ज़बरदस्ती मुझे मांस खिलाता था भैंस का। और उस दौरान जब मैं प्रेग्नेंट हुई तो उसने मेरे बच्चे का लिंग परीक्षण भी करवाया था, तो डॉक्टर ने कहा कि लड़का है, तो उसने मुझे कुछ नहीं कहा। जैसे ही मेरी बेटी पैदा हुई उसके बाद से ही उसने और भी ज़्यादा मुझे परेशान करना स्टार्ट कर दिया। कहने लगा रोज़ा रख, नमाज कर, नहीं तो मुझे तेरी ज़रूरत नहीं, मेरे घर से निकल जा, नहीं तो मीट खा, तू अभी पक्की मुसलमान नहीं बनी है, गौ मांस खा, भैंस का मांस खा, तब जाके तू मुसलमान बनेगी। इस बातों पे हमारी लड़ाई होती रही, मुझे मारता रहा, पीटता रहा। अब और भी इतना अत्याचार कर दिया उसने मुझ पे, अब तो बंदूक दिखा के डराने लगा।